हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन टेक्निकल एनालिसिस सीरीज बाय डीके। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसे अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा दो दिन पहले 21 जनवरी 2020 को जब मार्केट क्लोज हुआ, तो हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने चर्चा की थी बैंक निफ्टी के पीछे मार्केट की साइकोलॉजी को, जो चार्ट में फॉर्मेशन हुए थे उसके आधार पे कई संभावनाओं को डिस्कस किया गया था कि निफ्टी आने वाले दिनों में किस तरह से बिहेव कर सकता है, उसकी संभावनाओं को जिक्र किया गया था। और कई संभावनाओं को उसमें जिक्र करने के बाद ये उसका फॉलोअप वीडियो है दोस्तों। तो आज हम बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट पर फिर से एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। और ये दोस्तों मार्केट साइकोलॉजी को समझने के लिए एक एकेडमिक इंटरेस्ट से सीखने के हैसियत से ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें दोस्तों हम इसे फॉलोअप वीडियो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि 21 जनवरी का वीडियो अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है दोस्तों, अगर नहीं देखा है दोस्तों तो उसे जरूर एक बार देखिएगा दोस्तों कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस में संभावनाओं को का अवलोकन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ताकि आने वाले समय में अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है तो क्या संभावित हमारा एक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों, उस वीडियो में सब पॉसिबल चीजों को डिस्कस किया गया था, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मार्केट में सारी संभावनाएं उसके बहुत बेरिश होने की बातें हो रही थी, तो एक कॉन्ट्रा व्यू लिया गया था। मुझे नहीं पता दोस्तों आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों फॉर्चून टेलिंग नहीं है, कोई ये ज्योतिष शास्त्र नहीं है, ये एक एनालिसिस करने का एक हाई प्रोबेबल तरीके से प्रोजेक्शन करने का तरीका है, जिसमें कभी सफलता मिलती है कभी नहीं मिलती है। और इसीलिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। और बेल आइकन को एनेबल करना ना भूलें, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी समय पर आपको मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पर मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, हम एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। ये निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम पे एनएससी इंडिया पे प्राइस चार्ट है दोस्तों। अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो 21 जनवरी के वीडियो में जब ये कैंडल का बेरिश फॉर्मेशन हो रहा था, उस समय पे वो वीडियो बनाया गया था। और उस समय पे कुछ मुख्य बातें, वैसे उस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों दोबारा, एकेडमिक इंटरेस्ट से सीखने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित हो सकता है आपके टेक्निकल एनालिसिस को सीखने की दिशा में। तो दोस्तों, उसमें एक ब्रॉडर जो डिस्कस किया गया था कि क्यों हमारा व्यू बुलिश है और इसमें शॉर्ट करना एक डेंजरस हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आप देखिए सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस अपवर्ड इंक्लिनेशन है, किसी भी एंगल से ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल नजर नहीं आ रहा है। और इसके अलावा दोस्तों, ये पिछली इंपल्सिव वेव जो थी दोस्तों, इसका जब हमने रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया तो 38.2% 30,600 सम ऑड वैल्यू पे आ रहा था दोस्तों, जो उस वीडियो में चर्चा की गई कि वहां पे संभावित निफ्टी एक सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि दोस्तों ये कन्फ्लुएंसिंग एरिया था। ईएमए 21 का भी सपोर्ट इसी जोन में आ रहा था और ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन को गौर से देखें दोस्तों, और दो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम प्राइस एक्शन एनालिसिस को करने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, ये नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये प्राइस रिजेक्ट हो रही थी, फिर उसका यहां पे ब्रेकआउट हो गया, और उसके बाद देखिए दोस्तों इस लाइन पे मल्टीपल सपोर्ट हम देख सकते हैं। तो इसका तात्पर्य है दोस्तों कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन जो है
इस जगह पे देखिए अपर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन है, जबरदस्त तरीके से प्राइस ने रिजेक्ट किया इस जगह पे। और इसके बाद दोस्तों प्राइस जब ब्रेकआउट होकर ऊपर गई तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये कैंडलस्टिक जिसका शैडो इतना लार्ज है जो कि इंडिकेट करता है कि वहां पे बाइंग आई है और अंत में बुल्स एंड बेयर्स की लड़ाई में बुल्स की जीत हुई दोस्तों। अब दोस्तों इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, इवन ये कैंडल एक बैरिश कैंडल थी, उसके बाद ये कैंडल जो बनी इसके भी शैडो को देखिए दोस्तों, तो ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन खींची गई दोस्तों, जिसमें हम यहाँ पर रिजेक्शन देख सकते हैं प्राइस का, यहाँ पर रिजेक्शन देख सकते हैं प्राइस का। और दोस्तों इस कैंडल को देखिए जो स्पिनिंग टॉप है, इसका एक लार्ज अपर शैडो है जो इंडिकेट करता है कि जो सप्ताह 18 नवंबर 2019 को स्टार्ट हुआ उसमें बुल्स ने बहुत कोशिश की इसके ऊपर में जाने की, बट वो संभवतः सफल नहीं हो सके और प्राइस ने एक रिजेक्शन दिखाया जो हम एक हैमर का शेप देख सकते हैं, जहां पर दोस्तों ये अपर शैडो काफी लार्ज है जो प्राइस रिजेक्शन इंडिकेट करती है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम गौर से देखें इस प्राइस चार्ट को तो ये प्राइस चैनल में प्राइस ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, इस जगह पे मल्टीपल सपोर्ट है, प्राइस ने इस जगह पे रिजेक्शन दिखाया और इसके पीछे जाए दोस्तों तो यहाँ प्राइस ने रिजेक्शन दिखाया। इसका तात्पर्य है दोस्तों कि अपर फाइबर जो चैनल का है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, सप्लाई की तरह काम कर रहा है, और नीचे वाला फाइबर जो है लोअर फाइबर जो चैनल का है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा हम देख सकते हैं दोस्तों कि एक राइजिंग चैनल है जो बहुत सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब प्राइस पहले इसको टेस्ट करके लोअर फाइबर को टेस्ट करती है और साइक्लिकली ये अपर फाइबर को टेस्ट करती है, और ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चल रही है। तो दोस्तों अगर यहाँ लोअर फाइबर पे प्राइस ने सपोर्ट लेके अपसाइड मूव दिखाया है दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ इस तरह का फॉर्मेशन है कि अपर फाइबर टेस्ट करने के पहले प्राइस ने करेक्शन किया और उसके बाद अपर फाइबर को यहाँ पर टेस्ट किया। तो दोस्तों ये भी कुछ उसी तरह का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है जहाँ प्राइस दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्लुएंसिंग एरिया पर है। EMA 21 का सपोर्ट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट है दोस्तों, और इसके अलावा 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि गोल्डन रेशियो का एक डेरिवेटिव है फिबोनाची स्केल पर। अब दोस्तों मिडिल फाइबर को ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये मिडिल फाइबर जो है इस पर भी प्राइस ने यहाँ पर जो फॉर्मेशन किया था सपोर्ट लिया था, तो दोस्तों ये अगेन मिडिल फाइबर भी एक अनदर कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है। चलिए दोस्तों हम डेली टाइम में फ्रेम में चलते हैं और रीसेंट प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में जो 21 जनवरी 2020 का वीडियो है उस समय जब बना था दोस्तों तो इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था जो स्पिनिंग टॉप था। अब स्पिनिंग टॉप का जब फॉर्मेशन हुआ दोस्तों तो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन खींची गई थी, जो प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया, इस जगह पर रिजेक्शन लिया। अब तो दोस्तों देखिए प्राइस के करेक्शन के बाद प्राइस ने यहाँ पर टेस्ट किया, फिर से प्राइस ने यहाँ टेस्ट किया। अब दोस्तों ये इस जगह पे भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। साथ में दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट था जो डिस्कस किया गया था कि अगर दोस्तों एक डिसाइसिव ब्रेकआउट इस लाइन का होता है तो एक हेड एंड शोल्डर का हम ब्रेकडाउन देखेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है। दोस्तों ब्रेकडाउन तो हुआ लेकिन वो डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं था, क्योंकि उस कैंडल की जो ओपनिंग है अभी भी उस नेकलाइन के ऊपर में थी। और दोस्तों आज की कैंडल देखिए दोस्तों, उसने 38.2% रिट्रेसमेंट लिया और क्लोजिंग बेसिस पे दोस्तों वो एक नेकलाइन के ऊपर में और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर में इसकी क्लोजिंग होती हुई नजर आई। इसके अलावा दोस्तों प्राइस ने रीसेंट करेक्शन के दौरान दोस्तों यहां पर सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट SMA 89 का है। अब दोस्तों ट्रेंड की एनालिसिस अगर हम करते हैं तो आप देखिए EMA 21 अभी भी EMA 55 के ऊपर है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बुलिश है, वो इंटैक्ट है। इसके अलावा दोस्तों हम देख सकते हैं कि
SMA 89, SMA 233 के ऊपर है, SMA 144, SMA 233 के ऊपर है. तो दोस्तों ये कहीं से भी ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन अभी तक डेफिनेट सिग्नल नहीं मिला था, इसीलिए उस वीडियो में बुलिश बायस के बारे में कहा गया था दोस्तों. अब दोस्तों हम क्या देख सकते हैं, इसके अलावा कई बार हम सभी जानते हैं करेक्शन कॉम्प्लेक्स होते हैं. तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन में आप देखिए प्राइस ने ये करेक्शन जो किया तो ये नया हाई बनाने में प्राइस फेल हो गई. तो दोस्तों ये फिर उसने एक नया लेग बनाया, तो ये समथिंग लाइक एबीसीडी काइंड ऑफ करेक्शन नजर आता है. जहां पे इस लेग को अगर मेजर करें दोस्तों, तो देखिए मैं आपको मेजर करके दिखाता हूं. इस लेग को अगर मेजर करते हैं दोस्तों और जो नया करेक्शन हुआ उस लेग को मेजर करते हैं, तो दोस्तों ये देखिए मोर और लेस लेग का साइज सेम है. तो दोस्तों ये सारे इंडिकेशन इंडिकेट कर रहे थे कि प्राइस में बहुत ज्यादा फॉल होने की संभावना नजर नहीं आ रही थी. ऑल द दोस्तों मार्केट एक ऐसी चीज है जिसमें हम संभावनाओं को, मार्केट साइकोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के द्वारा, चार्ट फॉर्मेशन के द्वारा और प्राइस एक्शन एनालिसिस के द्वारा. अब दोस्तों एक चीज और मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है. ये इंपॉर्टेंट कन्फ्लुएंसिंग जोन में आज क्या फॉर्मेशन हुआ दोस्तों, आज एक बुलिश हरामी का फॉर्मेशन हुआ जो एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है. अब दोस्तों इस कैंडल को हम सिंथेसाइज करके देखते हैं. अब इसे मैं चार्ट को कन्वर्ट कर रहा हूं दोस्तों टू डेज के चार्ट में, तो लेट मी कन्वर्ट टू डेज के चार्ट को हम सिंथेसाइज करते हैं. अब दोस्तों अगर हम टू डेज के चार्ट को सिंथेसाइज करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, प्राइस ने ईएमए 55 को टेस्ट किया, ये इंपॉर्टेंट डिमांड जोन में. और दोस्तों ये किस कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन है दोस्तों, ये वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन है. टू डेज के हिसाब से हम क्लियरली देख सकते हैं और ये टू डेज में हम क्लियरली एक इनविजिबल गैप देख सकते हैं जहां पे क्लोजिंग हुई दोस्तों और ये ओपनिंग जो है गैप अप के साथ ओपनिंग हुई. तो दोस्तों ये अनदर एंगल है, चलिए उसको थ्री डे के प्राइस चार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं. तो दोस्तों हम इसे थ्री डे के चार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों ये मैंने थ्री डेज के चार्ट में कन्वर्ट किया. अब दोस्तों ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, अब यहां पर हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ है जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिस पर एंटायर बॉडी जो है वो पिछले बेरिश कैंडल के बॉडी के विदिन है. तो दोस्तों ये सारे इंडिकेशन इंडिकेट कर रहे हैं कि एक पॉसिबल रिवर्सल बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है दोस्तों, जो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड साबित हो सकता है. तो दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए दोस्तों, इसके हिसाब से स्ट्रेटजी जो है, अब ये एक एस्टैब्लिश्ड सपोर्ट की तरह काम कर चुका है. जो दोस्तों पिछला स्विंग लो है वो करीब है 30,600, तो 30,600 एक हम स्टॉप लॉस रखते हुए अगर प्राइस आज के हाई के ऊपर में ब्रेकआउट देती है दोस्तों, तो आज का हाई जो दोस्तों है वो है 31,087. तो ये स्पॉट मार्केट्स के प्राइस है दोस्तों, तो इसमें हम यहां पर एक बाय स्टॉप ऑर्डर ले सकते हैं इस जगह पे और इसकी वैल्यू हम डाल सकते हैं. जो हाई के ऊपर में अगर ट्रेड गया तो हम ट्रेड में होंगे, तो दोस्तों 31,120 में डाल देता हूं दोस्तों, क्योंकि 20-30 पॉइंट कोई मायने नहीं रखते हैं बैंक निफ्टी में. तो यहां पे मैं बाय स्टॉप ऑर्डर हम 31,120 पर बाय ऑर्डर डाल सकते हैं दोस्तों, और ये बाय ऑर्डर अगर ट्रिगर हुआ तो हम ट्रेड में होंगे, अन्यथा हम ट्रेड में नहीं होंगे. वेरी सिंपल दोस्तों, स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, पिछला स्विंग लो है उसके थोड़ा सा नीचे होगा, तो यहां पर हम एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं जो SMA 89 के भी नीचे आ रहा है दोस्तों. तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा 30,600, तो 30,600 हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है. तो स्टॉप एट 30,600 ये हमारा स्टॉप हो सकता है दोस्तों. आइए स्पॉट प्राइसेस है दोस्तों, मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूं
कि आज का लो है 621, तो यस दोस्तों 30,600, तो हम इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं और इसके संभावित ऊपर जाने के जो चांस है दोस्तों, ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर हम इस चैनल की बात करें और समवेयर यहाँ पर जाके टच करता है तो ये दोस्तों 33,000 के भी ऊपर जाने के पोटेंशियल रखता है, लेकिन इसको इंटरवीनिंग जो रेजिस्टेंस आएगा बीच में वो इस लेवल पे आएगा दोस्तों, और ये लेवल है जो 32,500 के आसपास में जो लेवल है, एक इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस आने की संभावना है। तो दोस्तों इस तरह से हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में और मार्केट की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब ये ट्रेड सफल होगा नहीं सफल होगा ये अलग बातें हैं दोस्तों, लेकिन हमें बहुत जल्दी से कोई भी डिसीजन शॉर्ट ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये मैंने ये भी बोला था 21 जनवरी के वीडियो में कि अगर इसका एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन होता है हेड एंड शोल्डर का, तो इसके प्राइस की गिरने की संभावना काफ़ी यहां तक आ सकती है, जहां पर वो 29,400 के आसपास आ सकता है, जहां पर वो 61.8% का भी एक जो इम्पोर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल है उसको टेस्ट कर सकता है, और तब जाके हमें एनालाइज करना होगा कि आगे संभावनाएँ क्या बन रही हैं। तो दोस्तों जब हम टेक्निकल एनालिसिस को इन डेप्थ तरीके से सारे टेक्निकल एनालिसिस के नॉलेज को जो 0 to 0 श्रृंखला में सिखाया जा रहा है उसको जब कंबाइन करके अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो हम गलत ट्रेड में ट्रैप होने की संभावनाओं को बहुत कम कर देते हैं और हमारी एक्यूरेसी टेक्निकल एनालिसिस में इम्प्रूव होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अब दोस्तों इस जगह पर शॉर्ट करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शॉर्टिंग करने से हो सकता है मार्केट गिर गया होता, लेकिन दोस्तों क्या हमें शॉर्ट करना चाहिए आप लॉजिकली सोचिए। इस जगह पे आप देखिए कितने मल्टीपल सपोर्ट है, यहां पर आप देख सकते हैं कितना रेजिस्टेंस था जो नेचुरली अब सपोर्ट की तरह काम करेगा, इस जगह पे देखिए सपोर्ट था, और दूसरा दोस्तों ये SMA 89 का सपोर्ट था, इसके अलावा दोस्तों ये 38.2% का सपोर्ट था। तो दोस्तों कई मल्टीपल ये चैनल का मीडियन था जो मीडियन एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और हमने अभी कैंडल को सिंथेसाइज करके देखा कि 2 डे में कैंडल किस तरह से 1 white soldier का फॉर्मेशन हुआ है, 3 डे के कैंडल में किस तरह से दोस्तों एक बुलिश पिन बार का नजर आ रहा है सपोर्ट एरिया से। तो इन सारी चीजों को जब हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं तो हम इंतजार करते हैं अपॉर्चुनिटी का, ना कि जल्दी से कोई भी चीज शॉर्ट करने का डिसीजन लेते हैं जो एक नॉर्मल तरीके से जो हमें एक धोखे में डाल सकता है जो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि किस तरह से हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस की और चार्ट को सिंथेसाइज करके देखा, ताकि कैंडलस्टिक को कंबाइन करके मार्केट साइकोलॉजी को समझने की हम कोशिश करें। इसके अलावा दोस्तों प्राइस एक्शन एनालिसिस को भी कंबाइन किया गया, अलग अलग टूल्स के इस्तेमाल किए गए और जानने की कोशिश की गई कि दोस्तों क्या पॉसिबल संभावनाएं हो सकती हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कोई टेक्निकल एनालिसिस जो है कोई एक फॉर्चून टेलिंग का मेथड नहीं है, ये दोस्तों प्राइस एक्शन को एनालाइज करके और उसको आगे प्रोजेक्ट करने का तरीका है, जहां पर संभावनाएं रिस्क रिवार्ड रेशियो की किस दिशा में सही मिल रही है और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमें किस तरह से स्ट्रेटजी को बनानी चाहिए इसके बारे में डिस्कशन किया गया। दोस्तों 21 जनवरी का वीडियो भी जरूर देखिएगा बैंक निफ्टी के ऊपर में, और दोनों वीडियो को जब आप कोरिलेट करेंगे तब बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी कि टेक्निकल एनालिसिस करने का तरीका होना क्या चाहिए। सफलता मिले ना मिले एक अलग विषय है दोस्तों, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस को किस तरह से हमें इनडेप्थ एनालिसिस करना है इसको सीखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वो हम दक्षता हासिल कर सके जो हम करना चाहते हैं एक सफल टेक्निकल एनालिस्ट बनने के लिए और सफल ट्रेडर बनने के लिए। दोस्तों अगर आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर
जरूर कीजिएगा दोस्तों, थम्स अप कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड दोस्तों इस वीडियो को अपने सोशल बेस में, फ्रेंड सर्कल में, ट्रेडर कम्युनिटी के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों उन्हें भी इन एनालिसिस का लाभ हो सके और वो भी इस प्रोसेस में इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन सके। दोस्तों अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए एनेबल करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको समय पर मिल सके और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों फिर मिलेंगे, वी विल मीट अगेन।